नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं लालू प्रसाद यादव के आवास 10 सर्कुलर रोड के बाहर, जहां पर राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद आज मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। बड़े दिनों के बाद रघुवंश प्रसाद जब पटना आए तो उन्होंने अभी भी ये कहा है कि जितने गैर भाजपा दल हैं वो सभी एक हों और बीजेपी को परास्त करने के लिए जो भी उन्हें करना पड़ेगा वो करेंगे। जरा सुनिए रघुवंश प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं। पार्टी की बात हुई, जैसे व्यापक जन सदस्यता, हर बूथ पर कम से कम 100 सदस्य, 4 सक्रिय सदस्य बनाया जाए। 72,000 बूथ है तो 72,00,000 सदस्य बनाया जाए और उसको छानबीन किया जाए, मॉनिटरिंग की जाए, समीक्षा की जाए और ग्रास रूट संगठन, वहाँ पंचायत बूथ स्तर पर संगठन बने और उसके बाद संघर्ष शुरू। बिना संघर्ष से, बिना आंदोलन से, बिना लड़ाई के कोई रास्ता नहीं। गैर भाजपा दलों को आप अभी भी कर रहे हैं साथ आने के लिए? गैर भाजपा तो हम रणनीति खराब करते हैं। गैर भाजपा दल एकजुट होगा तब ना भाजपा को पछाड़ेंगे। आप नीतीश कुमार से आपकी बातचीत चल रही है कि हम ही बतियाने वाले हैं? हम तो लड़ने वाले हैं। मतलब गैर भाजपा तो जदयू भी है तो वो भी भविष्य में साथ आ सकती है? जदयू से बातचीत चल रही है? तब जदयू से ना पूछिए, हमको तो है कि जो सब लोग आवे, जदयू से जाकर पूछिए जो क्या करेंगे, हटेंगे पहले उन्हें तब ना। अभी तो खुशामद में लगे हुए हैं बीजेपी के। मतलब आप उनको नीतीश कुमार अगर आएंगे आपके पार्टी? अब अगर मगर के हम लोग जवाब देते हैं। हम लोग गैर भाजपा एकजुट करने के पक्षधर हैं, भाजपा को पछाड़ना है। अब इसमें कौन कौन आवेंगे जाएंगे तो जब वो सवाल उठेगा वो आ जाएंगे तो हम लोग विचार करेंगे, वो हटे पहले। हम लोग को है जो भाजपा के पछाड़ना है, इन्हें लोग सबको एकजुट करना। नहीं, आप कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है जेडीयू से, और तेजस्वी कहते हैं कि नहीं, कभी नीतीश कुमार को स्वीकारेंगे नहीं। वातावरण तो वही ना है भाई, तो वातावरण को ठीक ना किया जाएगा। वातावरण तो वही है जो भाजपा के बीजेपी से मिल गए थे, ने ये बात भुलाया है लोग को। लेकिन हमारा है कि गैर भाजपा को एकजुट किया जाए, चूँकि भाजपा को पछाड़ना। नहीं नहीं, सवाल ये है कि तेजस्वी तो साफ तौर पे इनकार कर कि कभी भी नीतीश के साथ नहीं जाएंगे। आप कह रहे हैं कि नीतीश साथ है तो हम स्वागत करेंगे, बातचीत चल रही है। हाँ, हम स्वागत के बने अहले भी ना, हम अगर ये स्वागत कर तैयार कर तो बातचीत चल रही है। होने से पहले हटेंगे तब उस पर विचार। आपने सुन लिया है, रघुवंश प्रसाद साफ साफ कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार उस तरफ से हट जाते हैं तो गैर भाजपा दल तो खैर जदयू है ही, आगे विचार किया जाएगा, आगे पार्टी निर्णय लेगी। अब देखने वाली बात यह है कि पार्टी क्या कुछ निर्णय लेती है और रघुवंश प्रसाद के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ उथल पुथल होती है, क्योंकि जदयू को आरजेडी ने एक तरह से सीधा सीधा ऑफर दे दिया है कि यदि वो भाजपा का दामन छोड़ते हैं तो जदयू के साथ आगे चलकर वो चुनाव लड़ेंगे। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।